2012 विधानसभा चुनाव के पहले जब मैं अपने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टहलता था तो मैं अक्सर देखता था कि जो हमारे गन्ना का किसान है, सड़कें इतनी पतली और ख़राब थीं कि गन्ने की टालियां पड़ जाती थीं, किसान घायल हो जाते थे, किसान दुर्घटना में किसान की मृत्यु भी हो जाती थी। तो मैंने अपने अयोध्या विधानसभा की देवतुल क्षेत्रवासियों के वादा किया था कि अगर 2012 में आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी, जनता जनार्दन ने जनादेश और आशीर्वाद देकर अयोध्या से समाजवादी पार्टी को जिता दिया, तो जो ये किसानों की समस्या है, पतली टूटी फूटी सड़कें हैं, जो आपको गन्ने की ट्राली ले जाने में दिक्कत होती है, इन सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और 2012 में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमने अपनी बिलहर घाट से लेकर पूरा कलंदर तक, तो जो सबसे बड़ी रोड थी जिसपे गन्ने की ट्रालियां किसान हमारे फैक्ट्री गन्ना ले जाते थे, हमने उस सड़क को 7 मीटर चौड़ी और अच्छी बनवाने का काम किया। जहां पर गन्ना किसान पहले आधे घंटे 45 मिनट पहुंचते थे, आज वहां पर 10 मिनट और 8 मिनट पहुंच रहे हैं। जहां पर पहले 10 लीटर डीजल लगता था, आज वहां 3 और 4 लीटर डीजल लग रहा है। समय भी बच रहा है, अच्छी सड़कें हैं और अब किसान की न कोई टाली पड़ती है, न दुर्घटना होती है, न किसान की जान जाती है। तो किसानों के लिए हमने इस काम को किया और आज मैं बहुत अपने को इसमें अच्छा महसूस कर रहा हूं कि चाहे पूरा बाजार से लेकर अहमी आलापुर हो, चाहे दर्शन नगर से लेकर रसूलाबाद हो, चाहे पूरा कलंदर से लेकर के बिलहर घाट तक हो, चाहे परिक्रमा मार्ग से लेकर लंगड़ा चौकी तक हो, ये सारी सड़कें समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से अयोध्या विधानसभा में बनी और जिसका किसानों को, नौजवानों को, आने जाने वाले लोगों को लाभ मिल रहा है। अच्छा, आज मजबूरी के कारण हमें बीजेपी से हटके सपा में जाना पड़ रहा है। क्यों? ये महंगाई इतनी हो गई है कि अब बच्चों को पालन नहीं कर पा रहे हैं और आज 10 साल से मैं देख रहे हैं कुछ नहीं हो पाया है। आज ये अखिलेश फोन पाड़ेगा देनी सड़क और एम्बुलेंस और 100 नंबर गाड़ी जो पट पट पर पहुंच रही है। जो सपा सरकार थी, तेज नारायण पांडे ने ये सड़क मेहनत करके बनवाया। हम लोग मसौदा मिल 1.5 घंटे में पहुंचते थे, अब हम लोग 45 मिनट और 50 मिनट में गन्ना लेके भर रहे पहुंच जा रहे हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है, ना हमारी ट्राली का नुकसान हो रहा है, ना हमारे ट्रैक्टर का नुकसान हो रहा है। मैं पुलिस फोर्स से 2018 में रिटायर हुआ हूँ। फोर्स में जब था तो मैं सोचता था कि मैं गाँव में चलकर कहीं घर बनवा के नहीं रह पाऊंगा, शहर में मकान बनाना पड़ेगा। लेकिन सपा सरकार में माननीय पवन पांडे जी द्वारा, मंत्री जी द्वारा, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछ गया हमारे क्षेत्र में, जिससे आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी तरह से होने लगी। इसलिए मैं अपने यहीं पे रह रहा हूँ। वो सड़कों का जाल बिछाया सपा सरकार ने, बिल्लार घाट से लेके मसौदा तक, दर्शन नगर से लेके रसूलाबाद तक, पूरा बाजार से लेके अहमी घाट तक, ये सब तेज नारायण पांडे की देन है। और सपा सरकार ने बहुत कुछ किया, इससे जनता का हर एक चीज़ का सुविधा हो गया है। सड़क से हमारे यहाँ के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हैं, अभी तक देखने तक नहीं है किसान क्या कर रहा है, जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। 2012 में जब हमारे यहाँ पवन पांडे जी विधायक हुए कि ये टूटी फूटी सड़कें जो हमारे यहाँ थी, तब तो इसको पक्की किए, इससे हमारे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ। पहले यहाँ कस्टमर आ नहीं पाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी, अब सड़क बन जाने से हमारे यहाँ खाद बीज की दुकान है, तमाम लोग आ रही बगल से दूर दूर से आ जाते हैं सड़क अच्छी होने के नाते, और हमारी दुकानदारी में बहुत फायदा हुआ। ये सड़क बनने से हमें तो बहुत फायदा लग रहा है, अच्छी सड़क बनने के कारण जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सड़क को बना करके बहुत अच्छा किया है, जिससे हम लोग को आने जाने में सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है। हम लोगों को आने जाने में सुविधा रहती है, पहले तक हम लोग कि स्कूल तक ही रह जाते थे, अब कॉलेज आसानी से आ जा रहे हैं। सड़क बन जाने से हम लोगों का व्यापार बढ़ गया, आवागमन की सुविधा बढ़ गई, मरीज ले जाने की सुविधा हो गई, यही सब फायदा हम लोगों को हुआ। समाजवादी कार्यकाल में हमारे यहाँ तमाम सड़कों का विकास हुआ। 2015 में जो सरकार है अखिलेश सरकार पवन पांडे ने ये रोड को बनवा दिया, तब से अस्पताल जाने में 5 मिनट में हम लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। हाँ, बड़ी फर्स्ट क्लास रोड बनी है, 5 साल पहले की रोड बनी है, पिछली सरकार में रोड बनी है, इसके पहले बहुत कूड़ा कबाड़ा था। हाँ, लेकिन जब से 5 साल के पहले से बनी है, तब से बहुत भी हम लोग बहुत आराम से इसमें ट्राली ट्रैक्टर वगैरह जाता था, इसके पहले पलट जाती थी ट्राली वगैरह। लेकिन सपा सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है रोड के मामले में। रोड बन जाने से हम लोगों को बड़ी सुविधा हुई है, ट्राली ट्रैक्टर ले जाने में बड़ी सुविधा होती है। और ये जो है सड़क पवन पांडे की सरकार द्वारा, अखिलेश सरकार द्वारा जो है बनी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और चाहूँगा कि उन्हीं की सरकार फिर बने और जो है
उनसे मैं इस सरकार समाजवादी पार्टी से बहुत संतुष्ट हूँ। नहीं, जब 2015 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, माननीय हमारे यहाँ के विधायक पवन पांडे जी ने इस रोड को सही कराया, तब से हमारे यहाँ का दिक्कत समाप्त हो गया, तब से बच्चे स्कूल जाते हैं। अब तब से रोड बन गया, यहाँ से विद्यार्थी हो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे किसान हो, यहाँ आराम से गन्ना लोग पहुँचाते हैं मिल में। कोई लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, यहाँ से आराम साधन मिल जाता है। टांडा जाना हो तब साधन मिल जाता है। रोड मिलने से फायदा है। पहले भाई यहाँ बड़ी परेशानी थी, ना शादी करने के लिए कोई आता था, ना कोई काम, सारा समस्या रहा। सड़क बन जाने से बहुत बढ़िया काम हुआ, सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ भाजपा में, इसमें तो सब नुकसान ही नुकसान है। खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ, ओ, ओ।